अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद रवीज अजमल, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चैप्टर नंबर 4, सेल्स एंड टिश्यूज। द कंटेंट्स ऑफ टुडेज लेक्चर इज एनिमल टिश्यूज। वी डिस्कस टू टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज, फर्स्ट ऑफ ऑल एपिथेलियल टिश्यूज एंड सेकेंड कनेक्टिव टिश्यूज। Learning objectives. By the end of today's lecture, you will be able to learn about what are tissues, what are epithelial tissues, types of epithelial tissues, and what are connective tissue and their types. Tissues, group of similar cells specialized for the performance of a common function. Tissues क्या हैं? Similar cells के group जो कि specialized होते हैं या dedicated होते हैं for the performance of a common function. फॉर एग्ज़ाम्पल एपिथीलियल टिश्यूज़, जिनको हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे, उसके बाद प्लांट के केस में ग्राउंड टिश्यूज़ या मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़। तो ये सारी क्या हैं? टाइप्स हैं टिश्यू। जब टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं एंड ऑर्गन सिस्टम। और जब मैनी ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम कंबाइन हों तो वो एक होल इंडिविजुअल को फॉर्म करते हैं, विच आर प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट टिश्यू विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स। एनिमल टिश्यूज, इन द बॉडीज ऑफ एनिमल देर आर फोर मेजर कैटेगरीज ऑफ टिश्यूज। एनिमल की बॉडी में फोर मेजर टाइप्स हैं या कैटेगरीज हैं टिश्यूज की। फर्स्ट ऑफ ऑल एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। इनको हम डायग्राम की मदद से भी देख सकते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू एंड देन कनेक्टिव टिश्यू। ये एक फ्लो चार्ट डायग्राम है आज के हमारे टॉपिक की, जिसमें हमने एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस करना है। एपिथेलियल टिश्यू की आगे फर्दर सब डिविजन्स हैं, फर्दर कैटेगरीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वामस एपिथेलियम, देन क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम एंड देन लास्ट वन इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। कनेक्टिव टिश्यू भी आगे फोर फर्दर कनेक्टिव टिश्यू की भी फर्दर फोर सब डिविजन्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एरियोलर, एडिपोज, स्केल्टल एंड फ्लूइड। एरियोलर में टेंडन एंड लिगामेंट्स। टेंडन दे कनेक्ट द बोन टू मसल्स एंड लिगामेंट कनेक्ट द बोन टू बोन्स। एडिपोज टिश्यू या जिन्हें हम फैट टिश्यूज भी कहते हैं, ये भी कनेक्टिव टिश्यू की टाइप हैं। देन स्केल्टल, स्केल्टल सिस्टम में बोन और कार्टिलेज है। फ्लूइड में ब्लड और लिम्फ हैं। तो ये सारी कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स हैं। एपिथेलियल टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यू कवर द आउटसाइड ऑफ अ बॉडी एंड लाइंस ऑर्गन्स एंड कैविटीज। द सेल इन दिस कैविटीज आर वेरी क्लोजली पैक टुगेदर। एपिथेलियल टिश्यू हमारी होल बॉडी को सराउंड करते हैं, मेजर फंक्शन इनका प्रोटेक्शन करना होल बॉडी की। और इसके अलावा ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स और कैविटीज की लाइनिंग को फॉर्म करना एपिथेलियल टिश्यू का काम है। अगर हम स्ट्रक्चर को देखें एपिथेलियल टिश्यू के, तो इनके जो सेल हैं वो क्लोजली पैक टुगेदर होते हैं। चूंकि इनका फंक्शन प्रोटेक्शन में होता है, इसीलिए ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं या क्लोजली पैक्ड होते हैं, ताकि किसी भी तरह के फॉरेन इन्वेडर्स को या फॉरेन मटेरियल को इनसाइड द बॉडी एंटर होने से रोका जा सके। दिस टिश्यू हैज़ मैनी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल्स एंड नंबर ऑफ सेल लेयर्स। एपिथेलियल टिश्यू की फर्दर सब कैटेगरीज हैं, सब डिविजन्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल्स एंड नंबर ऑफ सेल लेयर्स हम इनको क्लासीफाई करते हैं। सम टाइप्स इंक्लूड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम, जिसको हम देख सकते हैं कि ये फ्लैट शेप सेल्स से मिलके बने होते हैं। देन क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम को हम इस डायग्राम में देखें तो ये क्यूब शेप अपीयरेंस को शो करते हैं, इसी वजह से इनको क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं। देन है कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम इलोंगेटेड सेल्स से मिलके बने होते हैं, इसी वजह से इनको नेम दिया जाता है कॉलमनर एपिथेलियम। देन है सिलिएटेड कॉलमनर। सिलिएटेड कॉलमनर भी इलोंगेटेड सेल से मिलके बने होते हैं, लेकिन इनमें
एडिशनल क्या है, इनमें एडिशनल सिलिया प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से इनको नेम क्या दिया जाता है, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम। देन लास्ट वन है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, मैनी लेयर्स। सो ये जो सेल हैं ये बहुत सी लेयर्स से मिलके बने होते हैं, इसी वजह से इनको नाम क्या दिया जाता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम। स्क्वामस एपिथीलियम स्ट्रक्चर, स्क्वामस एपिथीलियम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। स्क्वामस एपिथीलियम सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स से मिलके बने होते हैं। लोकेशन बॉडी में ये लोकेट कहाँ पे होते हैं, दे फाउंड इन लंग्स हार्ट एंड ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा। फंक्शन, इसके फंक्शन को हम देखें, दे अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटीरियल अक्रॉस इट। फंक्शन क्या है इनका, डिफरेंट टाइप ऑफ मटीरियल की मूवमेंट करवाना। इस डायग्राम में हम देखें सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट शेप सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि फॉर्म करते हैं स्क्वामस एपिथीलियम के स्ट्रक्चर को। इनका फंक्शन क्या है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल, तो ये वहाँ पे उनसे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे मटेरियल की मूवमेंट होना होती है। फॉर एग्जांपल लंग्स में हम देखें तो लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होती हैं, तो इसीलिए स्क्वामस एपिथीलियम हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ गैसेस की यहाँ पे। सेकंड हार्ट एंड ब्लड वेसल्स में, हार्ट एंड ब्लड वेसल में भी इनका काम क्या है, इनका काम मटेरियल की मूवमेंट करवाना है। और ये मूवमेंट पॉसिबल किस वजह से होती है, ये मूवमेंट इनके सिंगल लेयर होने की वजह से पॉसिबल होती है। देन सेकंड टाइप है क्यूबॉइडल एपिथीलियम स्ट्रक्चर। दिस टिश्यू कंटेन्स सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल। क्यूबॉइडल एपिथीलियम नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये क्यूब शेप्ड सेल से मिलकर बनी होती है, हेंस दैट इज व्हाई दे आर टर्म्ड एज क्यूबॉइडल एपिथीलियम। लोकेशन फाउंड इन किडनी ट्यूब्स एंड स्मॉल ग्लैंड्स एक्सेट्रा। एनिमल में ये किडनी ट्यूब्स में और स्मॉल ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या है इनका, दे मेक सिक्रेशंस, मुख्तलिफ तरह की सिक्रेशंस, हार्मोनल बेस्ड सिक्रेशंस क्यूबॉइडल एपिथीलियम की वजह से पॉसिबल होती हैं। किडनी में, स्मॉल ग्लैंड्स में जैसा कि स्वेट ग्लैंड्स हैं, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड है, तो ये क्यूबॉइडल एपिथीलियम हेल्प करते हैं ताकि डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्रेशंस को सिक्रेट करवाया जा सके। देन है कॉलमनर एपिथीलियम स्ट्रक्चर। दिस टिश्यू कंटेन सिंगल लेयर ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। ये भी ऐसे टिश्यूज हैं जो कि कंटेन करते हैं सिंगल लेयर ऑफ इलोंगेटेड सेल्स, यानी सिंगल लेयर ऑफ लॉन्ग एंड एलोंगेटेड सेल से मिलकर ये बने होते हैं। लोकेशन, इट इज फाउंड इन एलिमेंट्री केनाल, गॉल ब्लेडर एक्सेट्रा। में ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्री केनाल में और गॉल ब्लेडर में। एलिमेंट्री केनाल क्या है, जिसको हम डाइजेस्टिव केनाल भी कहते हैं, ये हमारे माउथ से हमारे एनस तक का जो पोर्शन है उसको कवर करती है, यानी इसमें माउथ, एसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हमारे मिलके क्या बनाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल को फॉर्म करते हैं। तो कॉलमनर एपिथीलियम आर प्रेजेंट ऑल अलोंग दिस एलिमेंट्री कैनाल। इसके अलावा गॉल ब्लेडर में भी ये प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन, वेयर इट मेक सिक्रेशन। यहाँ पे भी इनका कॉलमनर एपिथीलियम का फंक्शन क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्रेशंस को सीक्रेट करवाना। सिलिएटेड कॉलमनर फोर टाइप है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम स्ट्रक्चर। दिस टाइप ऑफ टिश्यूज हैज इलोंगेटेड सेल विद सिलिया। ये टिश्यूज भी इलोंगेटेड सेल से मिलके बने होते हैं, लेकिन इनमें स्पेशल टाइप ऑफ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर सिलिया प्रेजेंट होते हैं। लोकेशन, दिस टाइप ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। इनकी लोकेशन एनिमल बॉडी में हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में, ट्रेकिया और ब्रोंकाई में प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन, दे प्रोपेल म्यूकस। अब म्यूकस क्या है, म्यूकस स्लाइमी सिक्रेशंस जो कि प्रोड्यूस होती है म्यूकस मेम्ब्रेन से, जिसका फंक्शन क्या होता है कि जो एयर हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में लंग्स में एंटर होती है थ्रू ट्रेकिया और ब्रोंकाई, उस एयर को मॉइस्ट और वार्म रखना किसका काम है, म्यूकस का काम है। सिलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम जो सेल हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ट्रेकिया और ब्रोंकाई में,
ये सिलिया अपनी सिलरी मूवमेंट की वजह से इस म्यूकस को प्रोपेल करते हैं इन ट्रैकिया और ब्रोंकाई में, ताकि जो एयर एंटर हो रही है उसको मॉइस्ट और वार्म रखा जा सके। लास्ट टाइप है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम। स्ट्रेटिफाइड का क्या मतलब है? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि स्ट्रेटिफाइड मीन्स हैविंग मैनी लेयर। दीज टाइप ऑफ टिश्यूज हैज मैनी लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम में फ्लैट सेल्स की बहुत सी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। इट इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ एसोफिगस एंड माउथ एंड ऑल्सो ओवर द स्किन। लोकेशन, ये हमारी बॉडी में इंटरनल लाइनिंग ऑफ एसोफिगस, उसके अलावा माउथ में और ऑल ओवर द स्किन में प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन, इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स। इनका फंक्शन क्या है? इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना, यानी इंटरनल सेंसिटिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना किन का काम है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम का काम है। सेकंड हमारे एनिमल टिश्यू की टाइप है कनेक्टिव टिश्यू। एज द नेम शोज, कनेक्टिव टिश्यू सर्व अ कनेक्टिंग फंक्शन। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कनेक्टिंग टिश्यू का काम क्या है, कनेक्टिंग फंक्शन करना। अब ये कनेक्टिंग फंक्शन किस में करती है? अगर हम एक कॉमन एग्जांपल को लें तो एक जो बिल्डिंग है वो ब्रिक्स से मिलके बनी होती है। अब जो ब्रिक्स होती हैं वो आपस में कनेक्ट किस तरह होती हैं? बाय द हेल्प ऑफ सम सीमेंटिंग मटेरियल। इसी तरह जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है या हमारी जो बॉडी है उसके डिफरेंट सेल्स या हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, हमारी बोन्स, वो आपस में कनेक्ट किस तरह होती हैं? बाय द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। फंक्शन, दीज प्रोवाइड सपोर्ट एंड बाइंड्स अदर टिश्यूज। फंक्शन इनका क्या है? सपोर्ट में और बाइंडिंग में हेल्प करना। नाउ वी मूव टूवर्ड टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टिलेज। दीज टिश्यू आर फाउंड अराउंड द एंड्स ऑफ बोन्स इन एक्सटर्नल ईयर, नोज एंड ट्रेकिया एक्सेट्रा। कार्टिलेज जो है हमारी बोन्स के एंड पे प्रेजेंट होते हैं और हमारे एक्सटर्नल ईयर में, नोज में और ट्रैकिया में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम अपने एक्सटर्नल ईयर को और नोज को टच करें तो हमें फील होगा कि जो हमारी बोन है नोज की और एक्सटर्नल ईयर की, वो कार्टिलेज से मिलके बने। लोकेशन, सेल्स स्कैटर्ड थ्रू आउट एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। कार्टिलेज की हम बात करें तो कार्टिलेज के जो सेल्स हैं वो स्कैटर्ड होते हैं इन द रबरी या जेलेटिन मैट्रिक्स। यही वजह है कि जो कार्टिलेज है वो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू की टाइप कहलाती है, जबकि जो बोन है उनके जो सेल हैं वो हार्ड मैट्रिक्स से सराउंड होते हैं। अब ये हार्ड मैट्रिक्स बनता किस तरह है? बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मिनरल्स। हेंस बोन जो हैं वो हार्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैं, जबकि कार्टिलेज क्या है? सॉफ्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैं। ब्लड आर आल्सो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फंक्शन क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स, डाइजेस्टेड फूड, सॉल्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन करवाना। देन लास्ट वन टाइप है कनेक्टिव टिश्यू की, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू या हम फैट टिश्यू भी इनको कह सकते हैं इज आल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। लोकेशन, फाउंड अराउंड किडनीज, अंडर स्किन एंड इन एब्डोमेन रीजन एक्सेट्रा। क्योंकि हमारी किडनीज के सराउंड प्रेजेंट होते हैं, अंडर स्किन प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा रीजन यानी हमारी चेस्ट के नीचे वाला जो रीजन है वो एब्डोमेन रीजन कहलाता है, वहाँ पे एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन, इट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड सपोर्ट ऑर्गन्स। एडिपोज टिश्यू का फंक्शन क्या होता है? दे प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑल्सो सपोर्टिंग रोल टू डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स। और ये एडिपोज टिश्यू कुशन का भी काम करते हैं। तो ये एक एडिपोज टिश्यू है, उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ फैट ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं और यही फैट ड्रॉपलेट्स एनर्जी का सोर्स होते हैं। देन असाइनमेंट असेसमेंट ऑफ टॉपिक, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं और यही आप लोगों की असाइनमेंट भी होगी, आप लोगों ने खुद से मुकम्मल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज,
consist of single layer of elongated cells. First of all, epidermal cells, option B, cuboidal epithelium, option C, columnar epithelium, या option D, squamous epithelium. आप लोगों ने इसमें से suitable option को select करके अपनी assignment को complete करना है. Example of connective tissue is xylem, option B, bone, option C, muscle, या option D, phloem. Third MCQ है tissue which have elongated cells with cilia. Option A, ciliated columnar, option B, cuboidal epithelium, या option C, squamous epithelium. D option, none of the above. Tissues present in the lining of esophagus and mouth and also over the skin. Option A, squamous epithelium, option B, cuboidal, option C, columnar, या फिर option D, stratified squamous. Last MCQ है tissue which provide energy and sports organs. Cartilage, adipose, stratified या cuboidal. Important short questions. Name different types of animal tissues. आप लोगों ने different type of animal tissues को enlist करना है, उनके सिर्फ और सिर्फ नाम लिखने हैं. What do you know about ciliated columnar epithelium? Ciliated columnar epithelium क्या है, इनका structure, इनका function क्या है, वो आप लोगों ने इसके answer में write करना है. What is stratified squamous epithelium? What are connective tissues? Give some examples. Connective tissues क्या हैं और इनकी types या इसकी examples कौन सी हैं, वो भी आप लोगों ने इसके answer में लिखनी है. Important long question. What are epithelial tissue? Also explain its types. Epithelial tissues क्या हैं और इसकी major categories या इसकी major types कौन सी हैं, वो आप लोगों ने इसके आंसर में लिखनी है. सो ये था आज का हमारा टॉपिक. होपफुली यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड. एंड थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.